गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको. क्या आप देखना चाहेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक फंक्शंस और लीज फाइनेंस को एक्सेल पे कैसे सॉल्व किया जाए? इफ इंटरेस्टेड देन ओके, अदरवाइज इट्स ऑल राइट, वी कैन मूव अहेड. वोट कर लेते हैं. कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं? ठीक है, पहले होमवर्क के आंसर डाली कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 जब आपने सॉल्व किया तो आंसर दिया हुआ है 99,000. नहीं आया आपका आंसर बेटा, सिर्फ 3 लाख की क्यों ली? 3,30,000 लेनी चाहिए तो आंसर आ जाएगा. ओके, 99,000. डेप्रिसिएशन जो लिखा है वो लगाओ, मैं स्टेप्स टेली करा हूं. चलो, स्टेप नंबर 1 कॉस्ट ऑफ असेट 3,30,000 ले लिया. स्टेप नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कितना आया? 3.993x आ गया. स्टेप नंबर 3 सैलवेज वैल्यू 0. नंबर 4 आउटफ्लो ऑफ टैक्स ऑन लीज रेंट 1.9965x आता है. फिर उसके बाद में नंबर 5 डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट 104813 आता है. आपने नहीं किया सॉल्व? सॉरी, आज ही से आए हैं. अच्छा, और उसके बाद में कैपिटल लॉस तो हुआ होगा ना? जिन बच्चों का आंसर नहीं मिला वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है. कैपिटल लॉस के पहले तो कैपिटल लॉस कितना? जितनी WDV उतना कैपिटल लॉस. कितनी WDV? 7,783,000 मान लो. वो पूरा का पूरा लॉस हो गया, उस पर 50% टैक्स बेनिफिट हो गया. उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 2,6649. ओके, ये सारी स्टेप्स लेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा? 9,944. 99,000 आंसर आ गया ना? ठीक है, चलिए इसके बाद में ये ट्यूबलाइट ऑफ करूं. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया आपने? नहीं, कौन सा था और? एक इतना सा क्वेश्चन होमवर्क में. हाँ, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन करने थे, करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल के, वो देख लेते हैं अभी हम. आज ही तो करके लाने थे. हाँ, तो आज देख लेंगे. क्या बोल रहे हो? नहीं करे? पूरे नहीं हुए?
जी, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। आप नोट करते चलें, क्योंकि वैसे आप अपनी मेमोरी में नहीं रख पाएंगे सब कुछ। आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आज ही आप जब अपने ऑफिस पहुंचे, या आपके पास अपना खुद का अगर लैपटॉप टैबलेट है, तो आज ही इनको प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन निकल जाएंगे आपके लिए याद रखना उतना मुश्किल होता जाएगा। सबसे पहले, अब चूंकि आप लोगों ने तो वो कंप्यूटर ट्रेनिंग क्या आईटी ट्रेनिंग करी हुई है, तो मैं एक क्विक रिव्यू करवा देता हूं, क्योंकि आता तो आपको सब पहले से ही है। कंसिडरिंग कि आपने आईटी ट्रेनिंग करी है तो आपको आता ही है, आता है ना? आपने ऐसे वाली आवाज करी, मतलब क्या बहुत अच्छे से आता है? आता है नहीं, बहुत अच्छे से आता है, ऐसा है क्या कुछ? देखो, अब क्या है, सब तरह के बच्चे हैं। कुछ लोगों की अच्छी आईटी ट्रेनिंग हुई है, कुछ की ठीक ठाक हुई है, तो उसको कंसीडर करते हुए बता देता हूं मैं वापस से। देखो, पीवी लिख लो आप, पीवी अगर आप एक्सेल में लिखेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, तीनों के लिए यूज होता है। पीवी के सामने एरो लगा के लिख लो कि ये प्रेजेंट वैल्यू। आई होप स्क्रीन पे जो पीवी लिखा है सब बच्चों को दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाओ, आगे पूरा खाली छोड़ के पीछे बैठ गए हो आप। पीवी इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी के लिए भी एक्सेल में पीवी ही लिखा जाता है, पीवीए नहीं लिखा जाता है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू के लिए भी एक्सेल में क्या लिखा जाता है? वही सेम पीवी। यार ये चेक करना, चार्जर चल नहीं रहा है लैपटॉप का, कहां से इसका बटन हो? वो निकला हुआ है ना वहां से, ये अपना फिर दूसरा आप लिखें एफ वी। चालू एफ वी, हाँ, फ्यूचर वैल्यू के लिए भी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी के लिए भी है। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू के लिए भी है। तीनों के लिए फंक्शन एक ही है एफ वी। उसके बाद में एक फंक्शन है एक्सेल में रेट। एक्सेल में ढेर सारे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। रेट, आर ए टी ई। अगर बाकी डेटा दिया हो तो जो हम ट्रायल एंड एरर करके रेट निकालते हैं वो नहीं निकालनी पड़ेगी एन्यूटी के केस में, वो सीधे इससे निकल आएगी। फिर एनपीईआर, एनपीईआर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को बताएगा, या फिर एनपीईआर बताएगा कि कौन से ईयर का कैश फ्लो है। सिंगल कैश फ्लो है तो एनपीईआर नंबर ऑफ ईयर्स बताएगा, एन्यूटी है तो एनपीईआर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बताएगा। फिर इसके बाद में इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं। पीएमटी आप लिखें, PMT indicates amount of one installment. PMT क्या बताता है? Amount of one installment. है ना? जैसे हम चलो PMT से ही शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमने लोन इंस्टॉलमेंट निकाली थी 81.45, ऐसे कुछ याद करो। अब अगर हम PMT फंक्शन से उसको निकालें तो एक्सेल में आप जानते हो सारे फंक्शन इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। इक्वल टू, अगर आप केवल पीएमटी टाइप करेंगे तो वो टेक्स्ट है, और इक्वल टू पीएमटी टाइप करेंगे तो वो फंक्शन है। जैसे आप पीएमबी टाइप कराना तो एक्सेल में यहां फंक्शन, जैसे सिर्फ पी टाइप करूंगा ना तो पी से स्टार्ट होने वाले सारे फंक्शन की लिस्ट आ गई।
कभी आप पूरा फंक्शन का नाम भूल जाओ. सिर्फ मैंने इक्वल टू पी लिखा तो पियर्सन परसेंटाइल परसेंट रैंक परम्यूटेशन पीआई पीएमटी पॉइजन पावर पीपीएमटी प्राइस सब कुछ पी से स्टार्ट होने वाले सारे फंक्शंस की लिस्ट आ गई. पीएमटी लिखा मैंने फिर ब्रैकेट ओपन. तो एक्सेल आपको अभी वहां से नहीं दिखेगा लेकिन जो बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं उनको दिखेगा. जरा जूम कर लेना इसको यहां पे. जैसे ही मैंने पीएमटी के बाद ब्रैकेट ओपन करा एक्सेल ने एक हेल्प ओपन कर दी कि यहां आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. एक्सेल का पहले रेट दो फिर कॉमा लगाओ फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताओ फिर कॉमा फिर प्रेजेंट वैल्यू फिर कॉमा फिर फ्यूचर वैल्यू फिर कॉमा फिर टाइम. इनमें से जो जो आपके काम के हैं वो इनपुट आप दे दो. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी क्वेश्चन नंबर वन में अपने नोट्स में देख के बताओ. नहीं 17% थी बेटा. रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंस्टॉलमेंट नॉट द डिस्काउंटिंग रेट 12% ही है. ठीक है क्वेश्चन नंबर वन मतलब क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा हूं यार मैं. वन में तो कुछ खास करने को है नहीं. क्वेश्चन नंबर टू में 17 है ना. फिर उसके बाद में कॉमा लगाएंगे. आप जो बच्चे आगे बैठे हैं वो देख सकते हैं कि रेट यहां पे बोल्ड है और बाकी चीजें नॉर्मल है नॉर्मल फॉन्ट में. जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो एनपीईआर बोल्ड हो जाएगा. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताओ. 3 इंस्टॉलमेंट है यस और नो. फिर ये पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम है हमको या फ्यूचर वैल्यू मालूम है. लोन आज लेंगे कि 3 साल बाद. आज तो प्रेजेंट वैल्यू कितने 180 लाख है. आपने देखा मैंने माइनस लिखा है. अगर आप यहां पे माइनस सॉरी अगर इसको प्लस रहने देते हैं चलो तो क्या होगा वो भी देखना. माइनस करूंगा तो क्या होगा. फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं. लास्ट में लोन की कोई वैल्यू नहीं है. टाइप एन्यूटी का टाइप बताने को पूछ रहा है कि ये नॉर्मल एन्यूटी है कि एन्यूटी ड्यू है. कुछ भी टाइप नहीं बताओगे तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट उसको क्या मान लेता है नॉर्मल एन्यूटी मान लेता है. या फिर अगर आप टाइप 0 लिख दोगे तो भी इसको क्या मानेगा नॉर्मल एन्यूटी. लेकिन अगर आप टाइप 1 लिख दोगे तो ये इसको क्या मानेगा एन्यूटी ड्यू. आपने देखा मैंने 2 कॉमा लगाए यहां पर क्योंकि जब पहला कॉमा लगाया तो ये फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है. फ्यूचर वैल्यू मुझे कुछ देना नहीं है स्किप करना है तो मैंने 1 कॉमा और पुट कर दिया. और टाइप को मैं 0 लिखूंगा तो नॉर्मल एन्यूटी और टाइप को 1 लिखूंगा तो एन्यूटी ड्यू. और अगर मैं इस टाइप फील्ड को खाली ही छोड़ दूं तो ये नॉर्मल एन्यूटी अज्यूम कर लेगा. ये देखिए ये मैंने एंटर करा. आप देख रहे हैं ब्रैकेट में रेड कलर में 81.46 आ रहा है. कैन यू ऑब्जर्व दिस. क्योंकि ये माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है. हम चाहें तो इसको फॉर्मेट करके इस तरह से करने की जगह बोल सकते हैं कि भाई माइनस साइन के साथ बताइए आप. करेंसी में नहीं नंबर में बताओ और माइनस साइन के साथ बताओ. कैन यू ऑब्जर्व दिस इज माइनस 81.46 क्योंकि 180 का इनफ्लो था तो 81 के क्या होंगे आउटफ्लो. लोन देने वाले के लिए 180 का क्या है आउटफ्लो. तो 81.46 का क्या हो जाएगा इनफ्लो. एक्सेल में अगर पीवी फंक्शन में आप नेगेटिव इनपुट दोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव और अगर आप पॉजिटिव इनपुट दोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव. मतलब लोन मिला है तो इंस्टॉलमेंट चुकाओगे लोन दिया है तो इंस्टॉलमेंट मिलेगी. अच्छा इसी में हम देखें कि एक व्हाट इफ था कि आप लोन इंस्टॉलमेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर पे हो तब इंस्टॉलमेंट कितनी थी 81.46 की जगह कुछ 60s में थी. बेटा थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा. क्वेश्चन 4 या 3 होगा शायद जिसमें इंस्टॉलमेंट निकाली थी हमने. आया था. अब देखो एक्सेल कैसे चुटकियों में इसको सॉल्व करता है. हमने एन्यूटी ड्यू बता दिया है इसको टाइप 1 लिखा मतलब एन्यूटी ड्यू. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये देख 69.63 और ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चाहिए आपको तो डेसिमल के बाद आप बोल दो कि 60 डिजिट तक बता दो तो डेसिमल के बाद 60 डिजिट तक भी आंसर देगा 69.6267202. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट लोन इंस्टॉलमेंट.
ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हो या प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, जैसे आप क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन ही अपने सामने रखो, उसमें लोन ऑप्शन था, लोन ऑप्शन में एनुअल कैश फ्लो की स्टेप थी, या लीज ऑप्शन भी देखो, चलो लीज ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू 79.92 लाख की 12% से डिस्काउंटिंग करके निकाली थी ना, कितनी आई थी, 197 आई थी। देखो इक्वल टू पीवी ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेट पूछ रहा है तो 12%, बेटा या तो 12 के बाद परसेंट का साइन लगा दो या तो फिर 0.12 टाइप कर दो, केवल 12 टाइप कर दिया तो वो 1200% समझ जाएगा एक्सेल, गड़बड़ हो जाएगी सारी। नंबर ऑफ पीरियड कितनी, 3 बार था लीज रेंट, फिर ये पूछ रहा है एक इंस्टॉलमेंट। देखो अब दो चीजें हैं, या तो आप पीएमटी दे दो तो इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, या तो आप एफवी दे दो तो सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लिखना है तो यहां लिख दो कॉमा पीएमटी -79.92। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती, कोई एक सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू होती तो मैं एक कॉमा और लगा देता तो पीएमटी स्किप हो जाता और सीधे में क्या इनपुट दे रहा होता था, फ्यूचर वैल्यू। आई अगेन एडवाइस टू दोज हु आर सिटिंग ऑन लास्ट फ्यू बेंचेस दैट फर्स्ट फ्यू बेंचेस आर ओपन एंड एम्प्टी। क्यों अपनी आंखों को इतना कष्ट दे रहे हो, फिर बोलोगे दिखाई नहीं, एक्सेल तो समझ में ही नहीं आया, सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया था। अरे भाई आ गया, जाओ देख लो ना कुछ, इसको मैं जूम भी नहीं कर सकता हूँ, एक्सेल की हेल्प की साइज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो जैसी है वैसी नजर आएगी, बाकी स्क्रीन फिर भी जूम हो सकती है। हाँ, फ्यूचर वैल्यू की जगह अगर मैं कुछ लिख दूं 100, तो ये थर्ड ईयर पे जो 100 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देगा। लेकिन अगर मैं पीएमटी की जगह लिख दूं 79.92 लाख और फ्यूचर वैल्यू और टाइप को अवॉइड कर दूं, एंटर मार दूं, क्या 191 आंसर था? ठीक है, 191.95। फिर जैसे लोन ऑप्शन था, लोन ऑप्शन में फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना था आप बताएंगे? लोन ऑप्शन में फर्स्ट ईयर का नेट कैश फ्लो कितना था? 45. उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखी थी कि वो कॉलम खाली छोड़ के सीधे टोटल लिख लिया था, लिखी थी 45। देखो 12% फर्स्ट ईयर, अब मैंने पीएमटी की जगह 45.55 नहीं लिखना है, मुझे कहां लिखना है, फ्यूचर वैल्यू की जगह, तो एक और कॉमा लगा दिया 45.55। क्या 40.67 प्रेजेंट वैल्यू थी और सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना था? 58.66। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 52.38। सेकेंड ईयर के लिए लिखना पड़ेगा ना, फर्स्ट ईयर थोड़ी है, इसलिए गलत आ रहा है, एक्सेल की गलती नहीं है, अपनी गलती है। 46.76। अब एक फॉर्मूला ऐसा भी है कि इन तीनों कैश फ्लो की अलग अलग, देखो एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू तो निकल आएगी, मगर सिंगल अमाउंट अगर अलग अलग है और उन सबकी इकट्ठे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो एक्सेल वो भी निकाल सकता है, उसके लिए एनपीवी फंक्शन यूज करना पड़ता है। देखो कैसे, इक्वल टू एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेट पूछ रहा है तो रेट कितनी दे दी मैंने, 12%। फिर बोल रहा है वैल्यू वन बताओ, कितनी बताई थी आपने, 45.55। फिर पूछ रहा है वैल्यू टू बताओ, 58.66। कोई भी चीज आपको कम समझ में आए और आप चाहते हो कि उसको रिपीट किया जाए, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी एंड आई विल डू इट फॉर यू। तो रेट लिख ली, तीनों कैश फ्लो लिख दिए, अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल चाहिए हमको, वो एनपीवी फंक्शन से निकल आता है, एंटर। इज इट 136? जीरो ईयर के कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करता है, जो लाइन से आप कैश फ्लो टाइप करोगे तो पहले कैश फ्लो को वो क्या मानेगा, फर्स्ट ईयर, दूसरे कैश फ्लो को मानेगा सेकेंड ईयर, तीसरे कैश फ्लो को मानेगा थर्ड ईयर।
ऐसे में अगर मान लो सेकंड ईयर में कोई कैश फ्लो ही नहीं हो, फर्स्ट ईयर के बाद सीधे थर्ड ईयर में हो, तो क्या करोगे? दो कॉमा लगा दोगे. वेरी नाइस, बिल्कुल सही. या तो जीरो लिख दो या फिर दो कॉमा लगा दो. ये दो कॉमा लगा दिए मतलब सेकंड ईयर स्किप हो गया और सीधे हम कहां आ गए? थर्ड ईयर. तो उसके प्रेजेंट वैल्यू है 89.25. समझे आप? वैसे एनपीवी में जीरो ईयर के कैश फ्लो भी कंसिडर होते हैं, लेकिन एक्सेल का जो एनपीवी फंक्शन है वो जीरो ईयर को कंसिडर नहीं करता, वो सीधे फर्स्ट ईयर से ही अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है. तो अनइवन कैश फ्लो होम तो एनपीवी इज अ वेरी नाइस फंक्शन. इवन कैश फ्लो हो तो पीवी से ही हो जाएगा, एनपीवी की जरूरत नहीं है. अब अगर एक्सेल में आपको आईआरआर निकालना है, आप ये फंक्शंस की लिस्ट में लिख लो ना, एक फंक्शन हो गया आपके पास नया एनपीवी. इट कैलकुलेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लोस. एनपीवी फंक्शन क्या करता है? इट कैलकुलेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लोस. फिर एक फंक्शन है आईआरआर, ये तो नाम से ही क्लियर है. इट कैलकुलेट्स आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. कैसे? जरा अपना वो आईआरआर वाला पहला जो क्वेश्चन था तीन साल वाला, उसका डेटा आप मुझे जीरो ईयर में 180 लाख का इनफ्लो था मुझे याद है, फर्स्ट ईयर में 77.15, सेकेंड ईयर 67.07, थर्ड ईयर 86.33, है ना. 13.2 IRR आया था, ऐसे कुछ था. इसमें IRR निकालना इसमें बहुत आसान है. इक्वल टू IRR ब्रैकेट ओपन. अब ये वैल्यूज पूछ रहा है तो या तो वैल्यू टाइप कर दो, पहले जीरो ईयर के टाइप कर दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर फर्स्ट ईयर के टाइप कर दो, या फिर सबसे अच्छा काम है कि आप इसको रेंज जब टाइप कर ही लिए तो सिलेक्ट कर लो. एनपीवी की खासियत है कि वो पहले कैश फ्लो को फर्स्ट ईयर मानता है. आईआरआर फंक्शन की खासियत है कि ये पहले कैश फ्लो को जीरो ईयर मानता है और उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मानता है. तो वैल्यूज टाइप करने की जगह रेंज दे दी मैंने B9 से B12. उसके बाद एक्सेल पूछ रहा है गेस. जैसा आप पूछते हो सर ट्रायल एंड एरर कहां से शुरू करूं, एक्सेल भी बोल रहा है बताइए भाई साहब मैं कहां से ट्रायल एंड एरर शुरू करूं. आप बोलोगे यार तेरे को अगर हम गेस बताएं तो तू एक्सेल किस काम का, चल रहने दे अपने आप कर, मेहनत कर थोड़ी. यू प्रेस एंटर एंड यू विल हैव द आंसर 13.20%. इट इज एज क्विक, फटाक से पलक झपकते कैलकुलेशन करेगा. डेसिमल के बाद 50 डिजिट तक एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए वो भी निकाल के देगा. क्या करा था फिर से करते हैं. चलो इक्वल टू IRR. आप रियल लाइफ में जब पैर रखोगे ना यही काम आएगा. 12 बार अंडर रूट करूं, फिर -1 करूं, फिर पावर से डिवाइड करूं, फिर +1 करूं, फिर 12 बार स्क्वायर करूं, तो x^(1/3) हो जाएगा. हो रे मजा आ गया. यूजलेस. एक्सेल में एक सेकंड में ये ऐसे चुटकी बजा के होता है पावर का कैलकुलेशन. IRR निकल रहा है यार तो फिर वो क्या चीज है. हाँ ऐसे 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 बिल्कुल बिल्कुल. जितनी देर में आपकी चुटकी पूरी होगी उसके पहले एक्सेल के कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगे. डिस्प्ले भले ही लेट हो मगर कैलकुलेट तो वो सेकंड के 100वें हिस्से में कर देगा. ये है वैल्यूज, बस एंटर ये करा एंड हियर वी गो. चुटकी बाद में बजी, आंसर पहले आ गया. कहा था ना एक्सेल है कोई मजाक थोड़ी है.
ये प्रोग्रामिंग बेस है अपने आप में, केवल कैलकुलेशन करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकते हो इसके ऊपर आप। 13.20% आ रहा है। हाँ, वो पावर करने की जहां तक बात है तो बहुत सिंपल फंक्शन है एक्सेल में, जैसे आपको 4 की पावर 1/2 करना है तो यू टाइप 4 और उसके बाद में अपने कीबोर्ड पे आप देखेंगे तो ये कैप मिलेगा, न्यूमेरिक कीज हैं 6 Shift 6 करेंगे तो ये कैप आ जाता है। और पावर क्या करनी है 1/2 तो 0.5 यू प्रेस एंटर एंड यू विल गेट। 4 का अंडर रूट करा, सीधी बात है, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। और अगर आपको 4 की पावर 1/7 करनी है तो यू सिंपली ओपन द ब्रैकेट 1/7 Shift 10। अभी आपको करने को बोलते पावर 1/7 तो फिर आप 12 बार अंडर रूट करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। क्या ये वाली फिर से बताऊं? पावर करना बहुत सिंपल है, आप बोलो किसकी क्या पावर करनी। 4 की पावर 2 ठीक है, इक्वल टू 4 और ये है पावर सिंबल। ये कहां से आएगा कीबोर्ड में? Shift 6 न्यूमेरिक कीज के साथ में एक एक फंक्शन और भी रहता है। और पावर जो भी करनी है सपोज 2 एंड देन प्रेस एंटर 16 या फिर पावर फंक्शन भी है पर उत्ता क्यों टाइप करो POWER पावर नंबर 4 उस नंबर की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर 16। एक्सेल में फंक्शंस का भंडार है, मतलब मैं भी भूल जाता हूं क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। आप जो फंक्शन यूज करोगे वो अच्छे से याद आते जाएंगे आपको, इतने फंक्शंस हैं एंडलेस, आप यूज करते जाओ खत्म नहीं होते। ये पावर फंक्शन हो गया, IRR, NPV और ये बाकी PV रेट सब कुछ। कोई भी एक क्वेश्चन, अब जैसे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, अभी हमने वो 7 साल वाला एक क्वेश्चन था यार जिसमें 7 साल की टेबल बना के लाए थे आप, पर उसमें शायद इक्वल प्रिंसिपल था, नहीं इक्वल इंस्टॉलमेंट थी। $50,000 लोन अमाउंट था, 7 साल में चुकाना था, इंटरेस्ट रेट 9% था जहां तक मुझे याद है। 9th क्वेश्चन देखो, उसके इंस्टॉलमेंट निकाल दे। लुक हियर एवरीबॉडी, पहले अपने नोट्स में निकाल लो क्वेश्चन। इक्वल टू BMT ब्रैकेट ओपन, रेट 9% था ना, हाँ भी नहीं बोला, इंस्टॉलमेंट 7 थी, प्रेजेंट वैल्यू 50,000 एंटर। क्या 9934 की इंस्टॉलमेंट आई थी? क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क था इसलिए मुझे नहीं पता, ये इंस्टॉलमेंट थी ना। अब इसका लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है ना, आसान काम है। पहले आपने ईयर ले लिया यहाँ पे एक कॉलम में और ईयर 1 लिखा और फिर ईयर 2 लिखा, और आप जानते हैं ड्रैग करने से बाकी फिलअप हो जाता है। ये हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ो नीचे खींच दो, ये 7th ईयर तक आ गया। उसके बाद में एक कॉलम बना लो इंटरेस्ट का और एक फंक्शन भी, वो भी बताऊंगा, पहले मैं अपने तरह से बता दूं, फिर एक प्रिंसिपल और फिर एक बैलेंस, इंटरेस्ट प्रिंसिपल बैलेंस। इनफैक्ट बाकी सारी चीजें भी मैं लिख देता हूं। लोन अमाउंट 50,000 और नंबर ऑफ इयर्स 7 और इंटरेस्ट रेट 9% और देखो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालूंगा, इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन रेट B3 से उठा ले भाई, नंबर ऑफ पीरियड B2 से ले ले, प्रेजेंट वैल्यू B1 से ले ले, एंटर मारा 99। अब जैसे ये आपको रुपीस फॉर्मेट नहीं चाहिए, नंबर फॉर्मेट चाहिए तो आप किसी भी सेल पे जाके Ctrl+1 प्रेस कर लीजिए। व्हाट डू यू प्रेस? Ctrl+1 पढ़ा है ना आपने ये तो? हाँ बोलो,
भूल गए थे, यूज नहीं करो तो भूल जाते हैं। कंट्रोल वन, ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ गया, इसमें आप जैसी चाहिए ऐसी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये 50,000 का लोन है, 7 साल में चुकाना है, 9% ब्याज है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 9,934। अब लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, ईयर इंटरेस्ट प्रिंसिपल बैलेंस, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 50,000 का लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 4,500, आपके पास बनी हुई टेबल आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट, B5 में से D2 माइनस कर दिया, प्रिंसिपल आ गया। बैलेंस कैसे निकलेगा, ये इसमें से अगर ये पैसे हटाने हो तो नंबर फॉर्मेट में हम डेसिमल के बाद 0 डिजिट तक ले लेते हैं। हाँ, बैलेंस कैसे निकलेगा, ये रहा लोन अमाउंट, इसमें से माइनस कर दिया प्रिंसिपल, तो क्या आ गया, बैलेंस। कहीं से आवाज आई, नहीं आई। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये बैलेंस ले लो, बैलेंस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए क्या साइन होता है, स्टार होता है ना, नहीं तो आप कीबोर्ड पे एक्स ढूंढ के और टाइप कर दो तो आप आलिया भट्ट कहलाओगे उसके बाद। तो ये स्टार मतलब आपने मल्टीप्लाई करा और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसिपल फिर कैसे आएगा, वही ये रही इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दिया इंटरेस्ट, तो क्या आ गया, प्रिंसिपल। और बैलेंस कैसे आएगा, पिछला वाला बैलेंस माइनस इस बार का प्रिंसिपल। अब मैं ये जो सेकंड वाली रो है ना, इसी को नीचे कॉपी कर दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी एहतियात बरतूंगा बेटा। F2 को जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो ये F3 हो जाएगा, वो तो बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए, मगर B3 अगर B4 हो गया तो गड़बड़ है। तो B3 को मैं कांस्टेंट कर देता हूं डॉलर साइन लगाके। आप कहीं पर कर्सर रखें, ये कर्सर B3 पे रखा है, और फंक्शन की में F4 प्रेस कर दें। आप कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि जितना मैं बोल रहा हूं वो सब आपको रट जाएगा। नोट करते चलो ना हर बात को, लो बताओ, ये भी भूल गए कि नोट करना है, फंक्शन भूल जाओगे वो तो ठीक है, पर ये भी भूल गए कि नोट करना है, आज ही करना है आपको ये सब, जो ज्यादा से ज्यादा फंक्शन यूज करके देखना है। आज आप मिनिमम 1 आवर एक्सेल पर डिवोट करेंगे टुडे, और कुछ नहीं समझ में आया तो अपने बॉस से पूछ लेना ऑफिस में कि सर ये वाला फंक्शन नहीं आ रहा है, दे विल हेल्प यू। क्यों हंस क्यों रहा, नहीं हेल्प करते वो आपकी, करेंगे ना। आप अगर सीखने जाओगे तो आप बोलो सर छुट्टी दे दो, जल्दी छोड़ दो, नहीं आऊंगा, तो हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन आप बोलो मैं कुछ सीखना चाहता हूं, तो हेल्प करेंगे आपकी, बिल्कुल करेंगे। B3 को मुझे कांस्टेंट करना है कि नीचे कॉपी करने पर कहीं ये B4 ना हो जाए। तो अगर मैं F4 को एक बार प्रेस करूं ना तो B और 3 दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। B कांस्टेंट होना मतलब कॉलम कांस्टेंट होना, और 3 कांस्टेंट होना मतलब रो कांस्टेंट होना। और एक बार और F4 प्रेस कर दूं तो केवल 3 कांस्टेंट हो जाएगा। मुझे यही चाहिए एक्चुअली, B कांस्टेंट 3। एक बार और F4 प्रेस कर दूं तो B कांस्टेंट हो जाएगा, और एक बार F4 प्रेस कर दूं सब हट जाएगा। पहली बार F4, दूसरी बार F4, तीसरी बार F4, चौथी बार F4, पहली दूसरी तीसरी चौथी, दोनों को कांस्टेंट रहने दो, अपना क्या जाता है, ले कांस्टेंट हो गया ये इधर। ओए ओए क्या हो रहा है ये, हाँ इसमें मैं B5 को कांस्टेंट करना चाहता हूं क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हर बार B5 से उठानी है, तो B5 को मैंने कांस्टेंट कर दिया। D3 को कांस्टेंट नहीं करना चाहता हूं, बैलेंस में मैं कुछ भी कांस्टेंट नहीं करना चाहता। अब सही फॉर्मूले जब डल गए हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है
और ये हैंडल है, इस ब्लैक कलर के हैंडल को मैंने पकड़ा और खींच दिया नीचे तक, तो ये पूरी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। छोड़ दूं? पक्का? ये चुटकी बाद में बजी, ये देखिए, ये बनाई थी ना आपने फंक्शन टेबल। अब अगर मानो कि मैं बोलता है कि 50,000 का लोन है और 240 महीने में चुकाना है, 1,00,000 का लोन है, 240 महीने में चुकाना है और बैंक जो ब्याज ले रहा है वो 12% ले रहा है, तो सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट तो अपने आप ही रिकैलकुलेट हो गई, कितनी आई, 12,000। और अब सवाल आया इंटरेस्ट प्रिंसिपल और बैलेंस को सही करने का, दुरुस्त करने का। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये गड़बड़ क्यों हो गया बीफ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 1,00,000, 12% नहीं, 1% लेना पड़ेगा, पर मंथ चल रहा है ना यार, पर मंथ 240 महीनों में आपको लोन चुकाना है, हाउसिंग लोन होता है ना 20 साल का, 240 महीने में चुकाना है, साल का 12% ब्याज है तो महीने का कितना है 1%, इंस्टॉलमेंट कितने आ गई, 1,101 रुपए। अब ये टेबल को मुझे नीचे तक ले जाना है, तो 1 and 2, इसके बाद में एक सीरीज फिल का ऑप्शन भी तो आता है यहां पे, कहां चला गया वो सीरीज कॉलम, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 240। ओके, हुआ क्या, लो जी हद हो गई है, तो आधे घंटे से क्लास चल रही, बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा था, इतनी देर बाद जाके मजा आया कि अरे वाह कुछ तो गड़बड़ हुई, कितना अच्छा लगा। हाँ ये भी जरूरी है ना, सीरीज रो मैंने कॉलम में चाहिए, लीनियर चाहिए, ट्रेंड वेंड कुछ नहीं चाहिए, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 240 है। वो पहले क्या 1 और 2 दोनों सिलेक्ट पड़े थे गलती से, उस पर ध्यान नहीं दिया था मैंने, 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करा हुआ था, जबकि सिर्फ 1 कुछ भी नहीं करना था आपको, कुछ नहीं करना है, जैसे यहां पे स्टार्ट करना है तो यहां पे आपने रखा, इसमें आप कहां कौन सा वाला, ये है आपका एडिटिंग, होम टैब में एडिटिंग वाला ब्लॉक है, एडिटिंग वाले ब्लॉक में ये सीरीज ऑप्शन आएगा, सीरीज ऑप्शन में रो में सीरीज चाहिए, कॉलम में तो कॉलम में कर लिया, लीनियर चाहिए कि ग्रोथ चाहिए कि डेट चाहिए कि ऑटोफिल चाहिए, अरे हमको इतना नहीं समझता यार, जरा मन पड़े जो कर देना, स्टेप वैल्यू 1-1 से बढ़ाना, स्टॉप वैल्यू 240 पर रुक जाना, हो सकता है अभी भी फिल ना हो क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू तो दी नहीं है। ओके, देखा देखा आपने, देखा नजर आया आपको, अरे फॉन्ट वाइट है बाकी फिलअप हो गया है इसलिए दिख नहीं रहा है एक्चुअली। जैसे अगर आपने इसको 5 टाइप कर दिया और फिर कोई एक नंबर तो टाइप करना पड़ेगा ना कि स्टार्ट कहां से हो, फिर आप गए सीरीज ऑप्शन में, फिर यहां पे आपने बोला 5 से लेके 10 तक फिलअप कर दो भाई साहब, 1-1 बड़ा बड़ा के रो में, तो रो में फिलअप हो गया 5 से 10 तक, समझ गया ना। चलो सर वो ज्यादा अच्छा था कि 1 टाइप करो 2 टाइप करो, पकड़ के जहां तक मन पड़े खींच लो, ये भी अच्छा है, ये पकड़ा और ये खींचा, ये यहां तक खींच दिया 240। अब ये जो सेकंड वाला अपना रो था इसको खींच देते हैं नीचे, और नीचे तक खींचने की भी जरूरत नहीं है, यहां आके डबल क्लिक कर दो क्योंकि एक कॉलम आपका 240 तक भरा हुआ है, तो ये आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद में ये देखो कर्सर है, ये जो थिक कर्सर है इसके ऊपर आते ही थिन हो जाता है, व्हाइट थिक से ये ब्लैक थिन हो जाता है, और इस दुबले पतले कर्सर के ऊपर यहां रख के और डबल क्लिक मार दो, डबल क्लिक मार दो, पूरा नीचे तक 240 तक उसने फिलअप कर दिया है,
देख भाई इज्जत के कचरे मत करना। बाजी पलक कर दिया साले ने इज्जत का, इसकी ऐसी कम तैसी। बताता हूं उसका कारण भी है। देख भाई अब की बार तो मैं बहुत मारूंगा, देखा मार से भी डरता है वो। एक्चुअली 7 तक पहले फिलअप किया हुआ था ना, इसलिए उसको ब्लैंक फील्ड दी तो उसको 7 तक फिलअप था तो उसको लगा 7 तक ही फिलअप करना है। ब्लैंक दिया तो उसको मालूम पड़ा ये बाजू वाला कॉलम 240 तक जा रहा, चलो तो मैं भी 240 तक चलता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिमाग तो चलाएगा ना ये भी तो अपना। ये देखो मशीनों को चलाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया पे सारी मशीनें ही राज करेंगी। और आप बोलो कि मैं मैन हूं और मैं अपने आप करूंगा तो आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहेगा। हाँ अगर आप मशीन चलाना जानते हैं तो फिर आपकी बहुत पूछ परख होगी, अदरवाइज मशीन आपको रिप्लेस कर देगी। और मशीन चलाना जानते हो तो आप मशीन पर सवार रहोगे और पैसे कमाओगे। ये देखो आप ये पूरी 240 महीने की लोन टेबल आप कल बना के लाना मैन्युअली। ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डरा है, पेट्रोल चले जा रहा है ऊपर नीचे, चार चार जगह एक साथ पेट्रोल भरा गया। चलो कुछ आवाज है तो चालू हुई, नहीं तो तुम ऐसे बैठे रहते थे ऐसा मेरे को लगता था कि मैं वो मैडम तुसाद म्यूजियम में पढ़ा रहा हूँ। मोम के पुतले बना बना के कलरफुल बिठा दिए और मैं बोले जा रहा हूँ और ये एक्सप्रेशनलेस चेहरों के साथ में बिना आवाज के बैठे हैं, कम से कम बुरी सही आवाज तो निकाली, अच्छा लगा। हाँ हाँ रीपेमेंट शेड्यूल में कुछ भी चेंज करोगे तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन ऑप्शन आएगी वो सेम आएगी। इसमें बना के देख सकते हैं ना, मतलब इसमें अपने को पहले लोन ऑप्शन पूरा फीड करना पड़ेगा और लोन ऑप्शन फिर उसमें इंस्टॉलमेंट फिर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट, ऐसा एक बना के देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं अब भी बिल्कुल। चलो आपने एक टास्क दिया करने के लिए, अच्छी बात है। ये हमने बोला था ना कि कीडी से डिस्काउंटिंग करो तो लोन रिपेमेंट शेड्यूल में कोई भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है आपको? ऐसा तो ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, जैसे हमने 4 साल का एक क्वेश्चन बना लेते हैं। लोन अमाउंट कुछ भी लिख लेते हैं 1 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% ले लेते हैं और इसीलिए डिस्काउंटिंग टैक्स रेट 40% ले लेते हैं और डिस्काउंटिंग रेट 6% ले लेते हैं। लोन इंटरेस्ट टैक्स कीडी ईयर, एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लेते हैं, एक टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट का कॉलम ले लेते हैं ठीक है, और दोनों को नेट कर लेते हैं फिर वो बाकी डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट लेना है तो वो भी ले लेते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर वो तो जो रहता है वही रहेगा, उसमें को उसको नहीं करना है अपने को। नेट कैश फ्लो और फिर प्रेजेंट वैल्यू ठीक है। पहले हमने लोन के इक्वल प्रिंसिपल में रीपेमेंट कर लिया, मान लो 25-25 हजार नहीं इंस्टॉलमेंट नहीं, तो फिर एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट का कॉलम बनाना पड़ेगा। यहां एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, एक प्रिंसिपल यार आपने एक बीच में चीज पूछ ली, अदरवाइज मैं चलो मुझे याद दिलाना, मैं लोन टेबल बनाने का और एक तरीका भी बताना है मुझे, मैं भूल नहीं जाऊं।
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. बेटा नोट करते चलो ना ज्यादा ज्यादा चीजें, आपको कैसे याद रहती हैं फिर. नहीं है मतलब अभी नहीं, जैसे कोई फंक्शन की मैं बात करूं डबल क्लिक करना है तो ऑटो फिल हो जाएगा, सीरीज कैसे फिल करना है, हैंडल से कैसे ड्रैग करना है, वो चीजें अपने हिसाब से नोट करते चलो. आज घर जाके करके देखना है आपको. कितने बच्चों के पास अपना खुद का लैपटॉप या टैबलेट है? हाउ मेनी ऑफ यू? हाँ देयर आर मेनी. और बाकी अपने ऑफिस में कर सकते हैं. आप छुट्टी पे आए तो अपने दोस्त के ऑफिस चले जाएं, दोस्त ऑडिट पे जा रहा है आप भी चले जाओ उसके साथ, वहां के कंप्यूटर पे सारे काम कर लो फिर वापस आ जाओ. हाँ अब मान लो आपने 25,000 के प्रिंसिपल में रीपेमेंट करना है, अब एक बैलेंस का भी कॉलम बनाना पड़ेगा. एक्सेल में ही तो सुविधा है, जब याद आए कॉलम इंसर्ट कर लो. आपकी कॉपी में आप ये काम नहीं कर सकते. ये 25,000 है, इस पर डबल क्लिक कर दिया, चार बार आ गया. इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है? पहला इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%. ठीक है. बैलेंस कैसे कैलकुलेट होना है? ये रहा प्रिंसिपल, इसमें से माइनस हो गया, सॉरी लोन माइनस प्रिंसिपल, ये बैलेंस आ गया. फिर अगला बैलेंस कैसे आएगा? ये यहां माइनस ये वाली इंस्टॉलमेंट. अगला कैसे आएगा? यहां पैसे ये माइनस कर दिया. अगला कैसे आएगा? यहां पैसे ये माइनस कर दिया. इंटरेस्ट यहां कैसे आएगा? जो पिछला प्रिंसिपल था मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट 10%. यहां पिछला प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 10%, पिछला प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 10%. तो देखो 25,000 चार किश्तों में लोन चुका दोगे, ब्याज 10,000 7,500 5,000 2,500 होगा. और बैलेंस से अभी अपने को मतलब नहीं. अब टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट निकालना है, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टैक्स रेट से, जो कि कितनी है 40%. अरे रे भगवान. अच्छा आपका अम्यूजमेंट ऐसे ही होता है गलतियों से. आई विल कीप ऑन डूइंग दिस इफ यू आर हैप्पी विद दिस. इसमें मैं इसको कॉन्स्टेंट कर देता हूं. ये टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट आ गया. नेट कैश फ्लो निकालना निहायत ही आसान काम है. क्या करना है? माइनस प्रिंसिपल का आउटफ्लो, इंटरेस्ट का आउटफ्लो और टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, और इसको फिलअप कर देते हैं. ये आ गया. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए रेट कितनी इंटरेस्ट की? 10%. 6% से निकालना है ना. H4 प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू PV ब्रैकेट ओपन रेट H4 से ले लेते हैं और उसको कांस्टेंट भी कर देते हैं लगे हाथ. नंबर ऑफ पीरियड कौन सा ईयर है? तो भाई यहां से उठा लेना, ये ईयर 1 है. फिर पूछ रहा है एक इंस्टॉलमेंट, वो हमको देना नहीं है. फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू माइनस साइन के साथ ये आ गई. पता नहीं अब ये सही है कि गलत है. सही होगा, मैंने निकाला तो गलत थोड़ी होगा. चेक करना चाहोगे क्या? अरे 6% से चेक कर लो ना, ऐसे हाथ पे हाथ बांध के क्या बैठे हो कि मैं कैसे चेक करूंगा. हाथ हो गई सही है ना. अरे यार तो ऐसी तैसी. हाँ अब देखो ये सही है. अब इसका टोटल लगाना भी नहीं है, आसान है. ऑल्टर इक्वल टू, सुन रहे हो ना, यहां रखा आपने सेल ये वाली ली, ऑल्टर इक्वल टू प्रेस कर दिया तो ऊपर के सारे फिगर्स का टोटल लग गया. ये देखो वापस लोन अमाउंट आ गया ना. अगर आप KD से डिस्काउंटिंग करते हो तो प्रिंसिपल का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, उन सब की मिला के KD से डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू वापस किसके बराबर आ जाएगी? लोन अमाउंट. इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन रीपेमेंट शेड्यूल,
कैसे इरिस्पेक्टिव ऑफ लोन रिपेमेंट शेड्यूल, ये देखो अब मैं यहाँ 25,000 की जगह जीरो कर देता हूँ और यहाँ 50,000 कर देता हूँ, फिर ये जीरो कर देता हूँ और यहाँ 50,000 की मैं 25,000 की चार किस्तें चुकाने की जगह 50,000 की दो किस्तें चुका रहा हूँ, और देखो फिर वापस कितना है 1,00,000। और फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये भी जीरो करो और मैं यहाँ 1,00,000 चुका देता हूँ पूरा लमसम लोन रिपेमेंट, तो भी ये देखो ये कितना है 1,00,000। अगर आप केडी से डिस्काउंटिंग करते हैं तो लोन रिपेमेंट आप कैसे कर रहे हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है, यहां ही 1,00,000 चुका दो फर्स्ट ईयर में ही, बात का झंझट ही नहीं होना, तो भी क्या आएगा 1,00,000। यहां मत चुकाओ, इसको थर्ड ईयर में चुका दो कहीं। नहीं सर तो कर क्या रहे हो आप, बताता हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर डिस्काउंटिंग कीडी से होती है तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिला के हमेशा लोन अमाउंट के बराबर हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोन रीपेमेंट शेड्यूल। इज इट क्लियर? सर ये क्या आ गया? अरे बेटा ये क्या है, कॉलम की विड्थ कम हो ना तो ऐसे लिख देता है, तो कॉलम की विड्थ को अप्रोप्रिएट करने के लिए यहाँ कॉलम में ऊपर जाओ डबल क्लिक कर दो तो कॉलम की विड्थ सही हो जाती है, ये फिर ये जो सिंबल आना बंद हो जाते हैं सब सही हो जाता है एकदम। हाँ मैं आपको बता रहा था कि ये जो लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाने का मैंने तरीका बताया है, इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर? एक मिनट, सेलेक्ट कैसे करा? वेरी सिंपल, ये शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहां कर लिया, उसके बाद में शिफ्ट कंट्रोल डाउन की प्रेस करी तो पूरा एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट डाउन करूंगा तो अगली रो सेलेक्ट हो रही, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड तक सेलेक्ट हो गया, डिलीट मार दिया। मैं आपको बता रहा था कि लोन रिपेमेंट शेड्यूल के रेडीमेड फंक्शंस भी एक्सेल में, ये तो हमने प्रोग्रामिंग करी थी कि वो वाली सेल से मल्टीप्लाई कर ले, इसमें से माइनस कर ले, अपना भेजा लगा के, लेकिन एक्सेल में आई पीएमटी मतलब इंस्टॉलमेंट, आई पीएमटी मतलब इंटरेस्ट इन द इंस्टॉलमेंट, लिख लो ना फंक्शंस के लिस्ट में। मुझे पता होता तो मैं आपको लैपटॉप लाने को कह देता, आज यहीं बैठे बैठे साथ साथ कर लेते हैं, कोई बात नहीं आज घर पे कर लेना, नहीं आएगा तो किसी दिन बुलवा लूंगा फिर लैपटॉप आपसे, तो वर्कशॉप हो जाएगी कि आप भी मेरे साथ साथ करते चले जाएं, नहीं करते आएगा तो हाथों हाथ बता दूंगा। अच्छा कितने, अच्छा फिर से हाथ उठवा दें, कितने बच्चों के पास खुद का लैपटॉप है या वो एक दिन के लिए लैपटॉप बोरो करके ला सकते हैं किसी से, वो भी हाथ उठा दो साथ में। हाँ देर आर मेनी पीपल, और शेयरिंग हो जाएगी, अगर एक पे दो भी हो गए तो बड़े मजे में हो जाएगा अपना काम। मुझे क्या पता था कि यू आर सो रिच That you have your own laptop. क्या बात है, पार्टी नहीं दी आपने लैपटॉप की, चलो छोड़ो अब। आईपीएमटी इज इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट एंड पीपीएमटी इज प्रिंसिपल विद इन इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल आईपीएमटी, पीपीएमटी है पीएमटी ही। अब अजीब बात है यार, इंस्टॉलमेंट का नाम आईएनएसटी रखना चाहिए था लेकिन इंस्टॉलमेंट का नाम पीएमटी रखा है, पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। हाँ देखो इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट, तो रेट भले आदमी ये ले ले यहां से C3 से और इसको कांस्टेंट भी कर ले, कल को हम नीचे कॉपी करें तो गड़बड़ मत करना। फिर एक इसमें एनपीईआर ना टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताता है और पीईआर ये बताता है कि विच इंस्टॉलमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। एनपीईआर इज टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड पीईआर इज द इंस्टॉलमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। PER पूछ रहा है कौन से इंस्टॉलमेंट के अंदर का इंटरेस्ट चाहिए तुमको, पूरी टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, रेंडमली आप बोलो कि 70वीं इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है तो ये वो भी निकाल देगा।
कौन सी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट चाहिए? अरे कौन सी है चाहिए, इधर से उठा ले, C2 में जो इंस्टॉलमेंट नंबर है उसका इंटरेस्ट चाहिए हमको। और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है भाई साहब, ये लिखिए B2 में, इसको कांस्टेंट कर देता हूं मैं। और प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, अब सभी बता दें हम तो ठीक है बता देते हैं, तू भी क्या याद करेगा। प्रेजेंट वैल्यू ये B1 में है, लोन अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू मतलब, इसको भी कांस्टेंट कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, टाइप कुछ है नहीं, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मार देते हैं। 1000 का इंटरेस्ट था, आप अभी देखते हैं अभी मिल जाएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए भी यही सब करना है, इक्वल टू PP, एक मिनट हाँ थोड़ा इधर का, इक्वल टू PPMT रिटर्न्स द पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल फॉर ए गिवन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द पीरियडिक, पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो। रेट 1% कांस्टेंट कर दिया, रेट के बाद पूछ रहा कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड, इसको कांस्टेंट नहीं किया। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 240 कांस्टेंट कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट ये 1,00,000, इसको कांस्टेंट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मार दिया। ये देखो 1000 का इंटरेस्ट, 101 का प्रिंसिपल, दोनों मिला के कितने हो गए 1101। बैलेंस निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है तो बैलेंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस के बिना भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकल आएगा। और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक करो और गारंटी मेरी 240 तक फिलअप हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर देख लेना। देखा हो गया ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ऐसे आप रेंडमली किसी भी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, पूरी टेबल बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। जो हमने बनाया था उसमें पूरी टेबल की जरूरत थी, लेकिन इस फंक्शन में बीच में किसी भी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी निकल सकता है। बोलो आई बात समझ में? आप खुद से एक्सेल को एक बार एक्सप्लोर करें। लाइफ में जो काम कोई और हमसे करवाए वहां हम उसको बर्डन सा फील करते हैं थोड़ा, कि हम किसी और के स्लेव हैं, गुलाम हैं, उसके कहने पे काम कर रहे हैं, मजबूरी में थक हार के करते हैं। और अपनी मर्जी से जो काम करते हैं उसमें बड़ी गजब की स्फूर्ति चुस्ती मजा होता है। एक्सप्लोर एक्सेल योर सेल्फ। मैं आपको कोई टास्क नहीं देना चाहता कि ये 4 क्वेश्चन की शीट है इसको प्रैक्टिस करना, नथिंग। एक्सप्लोर इट योर सेल्फ। सर हाउ? देयर इज 1 question mark ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, क्लिक इट और सिंपली प्रेस F1 फॉर हेल्प दैट यू नो किसी भी सॉफ्टवेयर। तो ये PMT फंक्शन आ गया और ये सब कुछ बताएगा कि ये PMT फंक्शन में क्या क्या होता है। रेट देना पड़ता है, NPR देना पड़ता है, PV देना पड़ता है, FV देना पड़ता है, टाइप देना पड़ता है, किसका क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल भी देता है, इस एग्जाम्पल को यहां से आप कॉपी करके सीधे एक्सेल में पेस्ट कर दो और उसको चला के देख सकते हो आप यहाँ पे। और फिर नीचे एक एग्जाम्पल, ये इन एग्जाम्पल्स को हाउ टू कॉपी इन एग्जाम्पल, ये बता रहा है कि एग्जाम्पल को आप ऐसे पूरा का पूरा कॉपी करके और एक्सेल में पेस्ट कर दो तो आपको एक एग्जाम्पल रेडीमेड भी मिल जाएगा। और नीचे एक फाइनेंशियल फंक्शन, सी ऑल्सो फाइनेंशियल फंक्शन। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, इतने सारे फाइनेंशियल फंक्शन है। ACCRINT, ये DB डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस का डेप्रिसिएशन, इफेक्टिव रेट, फ्यूचर वैल्यू, ये ढेर सारे लुक हियर, इतने फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस होते हैं इफ वाले, लॉजिकल। अच्छा और कुछ नहीं समझ में आया ना, गूगल कर लो, यूट्यूब पे डाल दो, पूरा वीडियो आ जाएगा जो चला के दिखाएगा आपको कि ऐसे टाइप करो, ऐसे एंटर करो। एक्सप्लोर योरसेल्फ। ये देखो इफ फंक्शन है, ये पूरी लॉजिकल फंक्शंस की लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी। वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवोट टेबल, एवरीथिंग। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आई नेवर ज्वाइंड एनी क्लास
फॉर लर्निंग एक्सेल, बट ये ऐसे ही हेल्प में देख देख के सीख गए. व्हेन आई वाज एन आर्टिकल तो माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं था एग्जिस्टेंस में, तब डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर चला करते थे जिसमें कमांड टाइप करके और कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता था. वर्ड की जगह वर्ड स्टार 4 नाम का एक सॉफ्टवेयर होता था डॉस बेस्ड, और एक्सेल की जगह लोटस 1-2-3 करके एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था. ऐसी स्प्रेडशीट होती थी और हमारे ऑफिस का जो दो या तीन कंप्यूटर थे और उसमें बेस्ट कंप्यूटर था उसकी रैम 4 MB थी. MB, आई एम नॉट सेइंग GB. और उसका हार्ड डिस्क तो सुपर डुपर था बेस्ट कंप्यूटर का, 40 MB. विंडोज था ही नहीं, डॉस के फंक्शन ज्यादा जगह भी नहीं मांगते थे. और अपनी लाइफ में पहली बार कंप्यूटर मैंने अपने ऑफिस में जाके देखा था, और 3 दिन तक तो उस टीवी को ही कंप्यूटर समझ रहा था जो मॉनिटर टेबल के ऊपर रखा था. फिर बाद में किसी ने बताया बटन नीचे है, वहां से चालू करना पड़ता है, चलता वहां से सब कुछ. एंड देन आई बॉट अ बुक, आई वेंट टू खजूरी बाजार, इंदौर में एक प्लेस है जहां किताबें पहले सिर्फ वहीं मिला करती थी. काफी ढूंढने के बाद एक बुक मिल गई सेल्फ लर्निंग के, उसमें चीजें थी क्योंकि पहले इंटरनेट था ही नहीं ना, IIM था ही नहीं, IIM क्या इंटरनेट ही नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल फोन कहीं पे भी नहीं था, तो आप कैसे सीखते. सेल्फ लर्निंग के लिए सिर्फ बुक्स होती थी. सो आई वेंट टू खजूरी बाजार, काफी ढूंढा, 2-4 घंटे घूमने के बाद एक बुक मिली जिसमें था कि लोटस 1-2-3 के फंक्शन क्या होते हैं, वर्ड स्टार 4 के क्या होते हैं. काफी पढ़े और उनसे बहुत सारे सीखे और उसमें भी हेल्प में से जा के देखे, बहुत मजा आया उसमें. एंड देयर केम अ डे जब ऑफिस में किसी को कंप्यूटर में कुछ नहीं चलाते आता था तो वो मुझसे पूछते थे अरे यार ये वाला फंक्शन बता दे. उसका जॉय, उसका मजा कुछ और ही था, अलग. अभी तो आप जो मैं बताऊंगा फिर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा होमवर्क टाइप से फील होगा, अरे यार सर ने बोला है करना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, आप पे छोड़ रहा हूं. एक्सप्लोर योरसेल्फ, गूगल के जमाने में हो यार आप तो इंटरनेट पे डालो और जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और फिर अपने हिसाब से दिमाग चलाओ आगे बढ़ाओ. सॉरी, मोबाइल फोन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के 2 साल बाद मैंने अपना पहला मोबाइल फोन लिया था, और कोई 2-4 महीने चलाने के बाद फिर वो मैंने बंद कर दिया था. और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के तकरीबन 5 साल बाद, 5 या 6 साल बाद फिर मैंने जेन्यू, वो एक टेम्परेरी लिया था, मेरा कोर्टशिप पीरियड था इसलिए मोबाइल फोन लिया था, इसलिए. अदरवाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के 5 साल बाद में मोबाइल फोन, क्योंकि तब मोबाइल फोन में क्या स्पेशल नहीं वो बताता हूँ मैं आपको. पहले अपन यहाँ बातें कर लें, टॉपिक ही बदल जाएगा. अदरवाइज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सीखना हो तो IIM की भी जरूरत नहीं है. यू कैन बाय बुक्स एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट. एक ऐसी लर्निंग की जिज्ञासा के चलते मैंने कैलकुलेटर बनाया है, FD कैलकुलेटर. चलो ये आपके लिए चैलेंज है, आप बना के लाना. 1.39 MB बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ ये छोटा है 20 KB का. इट लुक्स ए वेरी सिंपल FD कैलकुलेटर, हाँ आपके लिए चैलेंज है. अरे तुमसे होगा नहीं यार, रहने दो, क्या चैलेंज वाले, रहने दो तुम्हारे बस की बात थोड़ी है, छोड़ो. नहीं होगा यार, तुम्हारे बस की बात थोड़ी है, तुम क्या करोगे, तुम नहीं होगा यार, तुमसे नहीं होगा. कैसे लोग, युगो भी हर्ट नहीं हो रहा तुम्हारा. ऐसे बोला तो बोला कैसे सर मैं आज ही बना के बताऊंगा, ऐसे बोलो ना थोड़ा सा कुछ तो लो उस चैलेंज से. अरे यार छोड़ो. तो अभी ये देखो आप, ये तो ऐसे ठीक है, ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया है ये इनपुट का है, सिर्फ ये 4 चीजें हमको डालनी है, बाकी सब ये कैलकुलेटर करेगा. अभी हो सकता है ढंग से चले भी ना क्योंकि बहुत बल्की, बड़ा भारी बन चुका है, स्लो, कई बार हैंग हो जाता है.
एफडी का अमाउंट, एफडी कितने ही करिए। और ये एफडी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे अपने एक रिलेटिव का इनकम टैक्स रिटर्न बनाना था और वो एफडी की डिटेल नहीं देते कभी भी। बड़ी मुश्किल से उनसे एफडी की फोटोकॉपियां बुलवाई, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाने को बोलो तो दो साल तक रिटर्न नहीं भराया उनका। मुश्किल से एफडी की फोटोकॉपी बुलाई और अब मेरा ही काम था कि कैसे भी करके और उनसे ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं कर लूं, सो दैट जो उनकी 7-8 अलग अलग टाइम पे करी हुई एफडीआई हैं उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जा सके। टीडीएस में वो आते नहीं थे दायरे में कि टीडीएस सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट मिल जाए। तो और ये एफडी कैलकुलेटर भी तब बना था जब रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट के 3 दिन पहले हम लोग खड़े हुए थे और एक्स रिटर्न बनाना बीच में छोड़ करके और 3 घंटे इस पर डिवोट करे, अचानक दिमाग में कुछ आया और वो रिटर्न तो खैर फाइल हो जाएगा यार, लेकिन जो एफडी कैलकुलेटर बना वो मेमोरेबल हो गया मेरे लिए कि अरे वाह आई डिड वेरी गुड। मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, हमको खुद को सेटिस्फेक्शन मिले वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अरे वाह कुछ नया करा मजा आया। ऐसे आपसे भी मैं चाह रहा हूं। अमाउंट 1 लाख स्टार्ट डेट से 1 जुलाई 2014, मैच्योरिटी डेट डाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 चीजें डालनी है बस, कितने की एफडी है, किस दिन चालू हुई है, किस दिन बंद होगी, क्या ब्याज की दर है, और एक टीडीएस के लिए यस और नो। अगर आप 1 लिख देंगे तो टीडीएस यस हो जाएगा कि बैंक टीडीएस कर रहा है, 0 लिख देंगे तो टीडीएस नो हो जाएगा बैंक टीडीएस नहीं कर रहा है। अब आप देखें कि जैसे इसमें मैंने 1 जुलाई 15 की जगह डेट यहां पर कर दी 1 दिसंबर 2015 तक, तो एफडी कैलकुलेटर अपने आप ही 1 जुलाई पे एंड हो रहा था, आप देख रहे हैं यहां पहले, और अभी कहां तक पहुंच गया है, दिसंबर। ऑड डेट डाल देते हैं कोई, यहां हम डाल देते हैं 4 फरवरी 2016। रिफ्रेश कैसे करते हैं एक्सेल में, हो गया ठीक है। अब इस एफडी कैलकुलेटर में पता है चैलेंज क्या है कि सबसे पहली बात ये क्वार्टरली कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, तो इस कैलकुलेटर को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ये पहली डेट को पढ़े 1 जुलाई 2014, अब इसके बाद पहला कैलेंडर क्वार्टर कहां खत्म हो रहा है, 1 जून में खत्म हुआ है, जून के बाद कहां खत्म होगा, सेप्टेंबर। सो दिस कैलकुलेटर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि ये 30 सितंबर 2014 ले, यहां से डेट पढ़े, एक्चुअली प्रोग्रामिंग हो गई शॉर्ट, यहां से डेट पढ़े और पहला क्वार्टर वहां से वो ले ले और उसके बाद ये तब तक दिखाए जब तक कि अपनी ये डेट ना आ जाए 4 फरवरी, और इसके बाद फिर ना दिखाए। कैन यू ऑब्जर्व दिस, अगर मैं इसको 4 फरवरी 2015 कर दूंगा तो ये अपने आप कैलकुलेटर शॉर्ट हो जाएगा, ये देखिए, और अगर मैं इसको 17 कर दूंगा, आई एम सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में 2 इंटेलिजेंस डालना बहुत जरूरी थे, एक वो कि यहां से ये स्टार्ट डेट पकड़ के पहला क्वार्टर पकड़ ले, और दूसरा ये कि ये सही जगह रुक जाए 31 दिसंबर ले और फिर अगली डेट क्वार्टर एंड लेने की जगह जो ऑड डेट आ रही है वो ले ले। ये बात इसको समझाने के लिए कई सारे लॉजिकल फंक्शन डालने पड़े, इस पहली डेट का लॉजिकल फंक्शन है ये। इफ फंक्शन है, उसके अंदर नेस्टिंग हुई है, इफ के अंदर इफ और उसके अंदर डेट फंक्शन है और उसके अंदर ईयर फंक्शन है, और आप आखिरी में देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट्स हैं लास्ट में, इसको ये समझाने के लिए कि डेट इस तरह से लेना है और कहां जाके उसको, फिर ये पहली डेट हो गई, पहली डेट के बाद का फंक्शन थोड़ा इजी है, फिर इसमें अलग फंक्शन है इफ, इफ के अंदर और उसके अंदर एंड ऑफ मंथ फंक्शन, ईओ मंथ, एंड आई नेवर न्यू ऑल दिस फंक्शन, बल्कि आज भी वापस भूल गया हूं मैं, उसी टाइम हेल्प में जाके सर्च कर करके ये सारे फंक्शन ढूंढे। एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 365 देने की 366 देने, वो सब समझाने के लिए ये फंक्शन, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का एडजस्टमेंट करने के लिए ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, और बैलेंस में भी डिफिकल्ट सा एक फंक्शन देना पड़ा क्योंकि कहां जाके
इसको बैलेंस नेगेटिव नहीं करना है, बैलेंस कैलकुलेशन स्टॉप करना है, और फिर एक ऐसी फॉर्मेटिंग जिसमें कि ये कैलकुलेटर नीट एंड क्लीन नजर आए, जितने दिनों तक हमको दिखाना है उतने ही दिनों तक दिखे और उसके बाद दिखे नहीं, हालांकि उसके बाद है, ये यहां पर भी है, लेकिन जो हमारे काम का एरिया नहीं है उसको वो गायब कर दें, सो दैट ये उतना ही नजर आए जितना हमको देखना है. टेक द चैलेंज, टेक योर टाइम, 15 डेज, अ मंथ विल बी टू मच, 15 डेज कुछ नहीं करना है. आउटपुट तो बहुत सिंपल है, एफडी का क्वार्टर बाय क्वार्टर इंटरेस्ट, फुल स्टॉप. इनपुट इज वेरी सिंपल, एफडी अमाउंट, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. आउटपुट इज वेरी सिंपल, डेट, इंटरेस्ट एंड बैलेंस. मैंने जरूरी नहीं कि मैंने जो फंक्शन यूज करें आप भी वही करें, कुछ और फंक्शन से भी ये सब चीजें हो सकती. मुझे जितना समझ में आया मैंने उससे कर लिया, आप बेहतर जानते होंगे तो आप और कम फंक्शंस का इस्तेमाल करके भी ये कर पाएंगे. सो जब आपको कभी एक्सेल के अंदर चैलेंज लेने की इच्छा हो जाए तो मैं जैसे बच्चों को केवल ये बोल देता हूं कि एक्सप्लोर, तो बच्चे आके बोलते हैं सर व्हाट एक्सप्लोर, डायरेक्शन तो दे दो थोड़ी, तो डायरेक्शन दे दी. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. और 15 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप चाहोगे तो मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, फिर आप उसको ही समझने की कोशिश कर लेना कम से कम. सो दिस इज वॉट ऑल यू कैन डू. कल को जब आप जॉब में होंगे ना, तो जॉब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है MIS, मैनेजमेंट को आपको रिपोर्ट बना के देनी होती है, और वो तरह तरह की एक्सेल शीट्स पे बनती है, और हो सकता है कि आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही हो, और अगर आप खोजी प्रवृत्ति के हैं तो यू विल फाइंड अ शॉर्टकट कि इस रिपोर्ट का ऑटोमेशन कैसे हो सकता है. और जब आप मैनेजमेंट को ऑटोमेशन करके देंगे तो इवन दे विल बी वेरी हैप्पी, अरे यार व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग यू हैव डन, वी हैव बीन एक्सरसाइजिंग अ लॉट फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स, इतना टाइम वेस्ट करते थे और आपने कितना अच्छा काम कर दिया है, कि इस तरीके से तो हमारा काम आसान हो जाएगा. हर जगह कुछ नया करने की गुंजाइश तो है ही, कितने ही दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर बन जाएं उसके बाद भी कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी. इफ यू डू द रूटीन जॉब विथ योर एम्प्लॉयर, उसने बोला MIS रिपोर्ट बना के दो, आपने बाकी लोगों की तरह ही बना के दिए, तो यू विल बी ए रेगुलर एम्प्लॉय. बट इफ यू ट्राई समथिंग न्यू, फेल्यूअर्स भी होंगे, कुछ नहीं भी बनेगा, लेकिन जब बनेगा तो बहुत फैंटास्टिक होगा. कोशिश किया करो हमेशा, थोड़ा समय निकालो दिन में, एक घंटा आधा घंटा हमेशा ऐसा रखो अनप्लैंड फ्री, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि टाइम फ्री होगा तो क्यूरियोसिटी आएगी. बिजी शेड्यूल में क्यूरियोसिटी कहां से आएगी, जो है उसको करने का टाइम नहीं तो दिमाग नए क्वेश्चन तो करेगा ही नहीं. थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए कहीं से भी बचा के रखो, फ्री टाइम में दिमाग क्यूरियस होगा और क्यूरियोसिटी से आप खुद ही अपने आप सीख जाएंगे. चलो इनफ ऑफ एक्सेल फॉर टुडे, नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर. हमारा लीज के सारे क्वेश्चन हो गए थे, लीज में क्वेश्चन सारे हो गए क्या, कोई डाउट है तो देख लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन बचा है ना अभी लेवरेज लीज का, वो कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन तो ये कि लेवरेज लीज होती क्या है. आप एक लेसर के पास गए, आपने उसको बोला कि ये 70 लाख रुपीज की एसेट है, तू खरीद मुझे किराए पे दे दे. बोले भाई साहब मेरी हैसियत तो 30 लाख रुपए से ज्यादा की है नहीं, पर मैं इस बिजनेस को भी नहीं छोड़ना चाहता, तो कोई बात नहीं आई विल मैनेज. अब लेसर क्या करेगा, लोन लेगा 40 लाख का, 30 लाख खुद मिलाएगा, 70 लाख से एसेट खरीदेगा और आपको देगा, और आपसे लीज रेंट इस तरह से चार्ज करेगा कि उसके 30 लाख वसूल हो जाए, उस पर डिजायर्ड रिटर्न मिल जाए, और बैंक को जो 40 लाख चुकाने हैं और उस पर ब्याज चुकाना है वो भी आपसे वसूल हो जाए. जब लेसर लोन लेके एसेट लीज पे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
लेवरेज्ड लीज कहते हैं, लिखिए अपनी कॉपी में, लेवरेज्ड लीज। अजमेर भैया इन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, आ गए नंबर, तो मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करूंगा। डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी टाइम्स में सारी चीजें आती है, दैनिक भास्कर में परसों या उसके पहले दिन के पेपर में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, सुपर आर्टिकल। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को आप नेट पर सर्च करने जाओ ना तो बहुत सारी बातें मिलती है मगर बिखरी हुई मिलती है, कि 10 पेज का एक मटेरियल पढ़ो तो उसमें से चार पैराग्राफ का एक क्रक्स निकलता है। उस आर्टिकल ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और हिंदुस्तान में उसके लाने या नहीं लाने के पीछे क्या कारण होने चाहिए, आपने सुना है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स में, कभी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड मैटर है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब जितना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब जितना चाहिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, इंडिया से बाहर निकाल के ले जाओ, इंडियंस फॉरेन में जितना चाहिए इन्वेस्टमेंट करें, जब चाहे वापस निकाल के ले आए। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट इज नॉट देयर इन इंडिया। इंडियन रूपी इज फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट बट इट इज पार्टली एंड दैट टू अ वेरी लिटिल पार्टली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, मिस्टर राजन RBI chief is talking about that we should proceed faster towards the capital account convertibility. And that lady who returned that article in Dainik Bhaskar, maybe unhone kisi English newspaper likha hoga, uska hi Hindi translation hoga. Bahut super article hai. Chhota sa article hai, jisme capital account convertibility ka pura crux nikal ke aa jata, pura nichod. 150 pages ki surfing karne ki zarurat nahi, ek page ke andar sari baat kar di usne. Maine aaj tak jitna padha tha, wo sab bikhra hua tha. Ye bahut achhi summary hai. पुरानी बैचेस और पुराने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेज भी दिया उसको, आप लोगों को भेज दूंगा वंस द ग्रुप इज फॉर्म्ड एंड वी विल डिस्कस इट। वंस यू गेट इट देन यू रीड इट एंड फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मतलब एग्जाम में भी अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी लिखने कुछ आए तो उससे बेहतर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। आई सर्च उस लेडी का ईमेल आईडी अगर कहीं मिल जाए तो उनको हम एक मेल डालेंगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपके पास हो तो हमको दे दो, जिससे हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पढ़ के समझ तो हिंदी में भी आ जाएगा आपको, लेकिन लिखने के लिए लैंग्वेज नहीं मिलेगी फिर कभी लिखना पड़े तो। इनका व्हाट्सएप ग्रुप जितनी जल्दी हो सके बना दो। हाँ, तो आप लिखें लेवरेज लीज। व्हेन द लेसर borrows money when the lesser borrows money for purchasing the asset then it is called then it is called leveraged lease. Following are the cash flows in this case. Number one, outflow of cost of asset. Number two, inflow of loan amount. ये दोनों को मिला के आप initial cash flow कह सकते हो।
फिर एनुअल कैश फ्लोज में आप लिखिए इनफ्लो ऑफ लीज रेंट, फिर उसके बाद में लिखे हैं टैक्स ऑन लीज रेंट, फिर लिखे हैं टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, फिर लिखे हैं ये तो अपने यूजुअल कैश फ्लो हो गए, अब आप लिखे हैं आउटफ्लो ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि लोन लिया है तो लेसर को इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी, नेक्स्ट आउटफ्लो ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद में टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट, फिर ये तो आपके एनुअल कैश फ्लोज हो गए, दो कैश फ्लोज में ऐड हो गए, एक लोन का चुकाना और एक उसका इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलना। अब टर्मिनल कैश फ्लोज में आप लिख लें इनफ्लो ऑफ सेल्वेज वैल्यू, कैश फ्लो नेक्स्ट पॉइंट कैश फ्लो ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस, कितने पॉइंट हो गए, 9। बस इन 9 पॉइंट्स के डिस्काउंटिंग करके एनपीवी 0 सेट करेंगे जिससे कि हम लीज रेंट कैलकुलेट कर सके। आज जो हमने एक्सेल पे सीखा है इसको आज आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाओगे। एंड डू नॉट हेजिटेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दोज हु आर नॉट स्टडिंग हियर, मे बी दे आर डूइंग सेल्फ स्टडी, Maybe they are studying somewhere else. Maybe they have already studied. उनके साथ भी सब कुछ शेयर करो आप, whatever you learn here. उनको सिखाने में आप बेहतर हो जाओगे, पता है? किसी और को पढ़ाते पढ़ाते अपने को इतना बढ़िया समझ में आता है, खुद के डाउट क्लियर हो जाते। आप पढ़ाना शुरू करो, एकदम क्लियर होगा, अच्छा ऐसा था, मुझे तो आ ही नहीं रहा था, तेरे को समझाते हुए आएगा। So if your friends are not here, teach them, especially the extra learnings you are getting here, so that unko bhi seekhne ko milega aur aapka bhi acha revision ho jayega. Question karke dekhte hain. Cost of an asset is rupees 1 lakh, theek hai, life 3 saal, salvage value 10,000, इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक बोरोइंग 10% पर एनम, इनकम टैक्स 30%, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन SLM, कैलकुलेट ब्रेक इवन लीज रेंट फॉर द लेसर, मतलब वही 0 NPV, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% पर एनम एंड ही बोरोज रुपीज 40,000 फ्रॉम ए बैंक टू फाइनेंस द एसेट, तो आप लिखो स्टेप नंबर 1, चाहो तो इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से पढ़ लो।
कितना है डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट? 20549 है ना? हाँ हाँ बेटा, ये एक्सेल को मत चैलेंज करो 7 बोल के. 20549 बोला एक्सेल ने. डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट शायद 9,000 रुपये हर साल है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 20,500 है. इंस्टॉलमेंट शायद 16,085 रुपये हर साल है और इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं 36,725 रुपये है. इंटरेस्ट ये फिगर आएंगे 4,279 to 1,462, वो आपको लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना के मिलेंगे, मुझे IPMT फंक्शन से मिल गए हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे NPV फंक्शन से मिल गई है 6551. चेक करिए मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं करी है फीड करने में फिगर्स को. हाँ बिल्कुल सही बोला, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.3 से 1965. ये इंटरेस्ट है, मतलब एक्चुअली ये टैक्स बेनिफिट नहीं है और इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट 1965.
एक्स कितने हैं, पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट 1.598 x, sure this should be equal to 0. So when you solve it, you'll get x equal to 22327. ये 6-7 नहीं है, ये इक्वेशन सही है। ठीक है, ठीक कर देता हूं अभी। टैक्स नोट कर लीजिए आप, टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन 20549 है, इंस्टॉलमेंट 16085 की है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 36725 है। इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट 1965 है, सबके डिस्काउंटिंग 15% से चल रही है। सेल्वेज वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू 6575 है। फाइनल इक्वेशन बनेगी जो यहां लिखी है 67635 प्लस 1.598 x इक्वल टू 0। तो लेसर एक इंस्टॉलमेंट लेगा कितने की, 42318 की। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। अब कल हम एक बहुत ही सिर खपा देने वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, एग्जाम में रेयरली या शायद कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके नॉलेज के एंगल से हम उसको पढ़ेंगे। तो जरा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना, दिमाग पे बहुत वजन डालने वाला है। बहुत आसान कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ो तो बहुत तकलीफ देता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी विल बी स्टार्टिंग इट टुमारो। थैंक यू।